लकड़ी से बनाओ स्क्रू ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लकड़ी और कील से दो स्क्रू ड्राइवर बनाकर दिखाने वाला हूँ, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। तो है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख मैकेनिकल सर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो झट से, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहो डट के, क्योंकि आपका भाई का आइडिया होता है जरा हट के। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कच्चे लकड़ी का यूज कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए। और उसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पर दो कील लिया है, एक को हम दोस्तों प्लस वाली स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे जो स्टार स्क्रू ड्राइवर बोलता है उसको, और एक माइनस वाला बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम इस लकड़ी को 5 से 6 इंच की लंबाई के हिसाब से दो अलग अलग टुकड़े निकालेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने इसे काट लिए हैं और 5 से 6 इंच की लंबाई के हिसाब से हमने दो पीस अलग अलग काट कर इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पर दो कील लिए हैं, उस कील को हम इसके अंदर 1 से 1.5 इंच घुसाएंगे, किसी हथौड़े की सहारा से इसके अंदर डालेंगे। तो उसके पहले आपको दोस्तों ये जो सामने वाला सिरा है कील का, उसे थोड़ा घिस लेना है, थोड़ा नुकीला बना लेना है ताकि इसके अंदर आसानी से चले जाए, ये लकड़ी है जब फटे ना। दोस्तों यहाँ पर हमने कच्चे लकड़ी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हम जब कील इसमें डालेंगे तो फटने का चांस बहुत कम रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ये जो कील था उसको इस लकड़ी के अंदर इस तरह से घुसा दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो कील है उसका जो मत्था है उसे हम आरी ब्लेड की सहायता से काटेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस तरह का जो हैक्स को कैसे बनाया जाता है आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो आप ऊपर आई बटन में जाकर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो हमने कील लगाए उसका जो मत्था है उसको हम काट कर बाहर निकाल देंगे आरी ब्लेड की सहायता से। तो उसका जो मत्था था उसे काट कर बाहर निकाल दें। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम फाइल लेंगे और फाइल की सहायता से ये जो आप देख सकते हैं जंख लगा हुआ है उसको घिस कर एकदम न्यू कर देंगे, इसको चमकदार बना देंगे। और इसका जो सामने वाला सिरा दोस्तों उसे भी घिस कर हम बराबर कर देंगे। तो दोस्तों हम घिस कर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसे अच्छे से घिस कर चमकदार बना लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो प्लस वाली स्क्रू ड्राइवर है उसको बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो प्लस वाली स्क्रू ड्राइवर है उसको बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इसको पहले बनाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करना होगा, ये जो स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे उसको हम चारों तरफ से चार कोन बना लेंगे इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सबसे पहले चार कोन बनाए। अब चार कोन बनाए दोस्तों, उससे में प्रत्येक कोन में हम आयरन ब्लेड की सहायता से या फिर फाइल की सहायता से उसको काटेंगे, हल्के हल्के कट का निशान लगाएंगे चारों कोन से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कट का निशान लगाएंगे जहाँ पर हम चार कोन बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो चारों कोन बनाया था वह चारों कोन में हम कट का निशान लगाए इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से आरी ब्लेड या फाइल की सहायता से ऐसे कट का निशान लगा लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सामने वाला जो नोक है उसे धीरे धीरे इस तरह से घिस कर थोड़ा गोलाकार कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो हमारा प्लस वाले जो स्क्रू ड्राइवर है वह लगभग तैयार हो चुका है। तो आप इस तरह से अपने घर पर ही इस स्क्रू ड्राइवर को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे वाले सिरे को थोड़ा और घिस देंगे तो हमारा जो प्लस वाली स्क्रू ड्राइवर दोस्तों वह एकदम तैयार हो चुका है। तो आप इस तरह से अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली स्क्रू ड्राइवर है उसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों माइनस वाली जो स्क्रू ड्राइवर उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत ही आसान है, आपको ऊपर और नीचे दो तरफ ही मात्र आपको घिस कर थोड़ा चिपटा कर देना है, तो आपका जो माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर वह एकदम आसानी से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से रफ पेपर से या फिर फाइल की सहायता से ऐसे घिस कर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर है वह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों इसको हम वीडियो के आखिरी में आपको इसका यूज करके दिखाएंगे कि आप इसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से जो हमारा स्क्रू ड्राइवर वह काम करता है जो हमने लकड़ी से और कील से बनाया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिजाइन देने के लिए हम इसके ऊपर वायर टेप लगा देंगे, एक आगे और एक पीछे। तो हम आपको यहाँ पर टेप लगाकर इस प्रकार से दिखाएंगे।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों स्क्रू ड्राइवर में इस प्रकार से वायर टेप लगा दिया है इसके डिजाइन के लिए। अब हम आपको इसका यूज करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर प्लस वाली स्क्रू लगा हुआ, तो हम यहाँ पर जो प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर उसका यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्लस वाला जो स्क्रू ड्राइवर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, आसानी से इसमें जो स्क्रू वो निकल रहा है। तो हम इसमें वापस से लगा देते हैं। अब इसके बाद हम दोस्तों ये जो माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर है उसको भी इसी स्क्रू को निकालने और लगाने के लिए करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस स्क्रू को इस तरह से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसी प्रकार से दोस्तों हम इसमें लगाकर अच्छे से टाइट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और भी आइडिया वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।